नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील मिश्रा और आज का वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी हुआ क्योंकि आज एक बहुत अच्छी खबर है। देहात थाना क्षेत्र में एक गांव है कल्याणपुर, जहां के लोग हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहते थे। कटान इस कदर होती थी कि गांव के चारों तरफ से नदी उन्हें घेर लेती थी और वो बीच टापू पर रहते थे, जहाँ उन्हें खाने पीने और रहने की काफ़ी दिक्कत होती थी। यहाँ एक स्कूल था जो सालों पहले बह गया, अब हमारी उस खबर का सालों बाद असर हुआ है। तत्कालीन डीएम कृष्णा कर्णेश और तत्कालीन एडीएम अरुण शुक्ला जी के अथक प्रयास से आज उन ग्रामीणों को कल्याणपुर से विस्थापित कर दिया गया है। इस विस्थापन की प्रक्रिया में कुल 66 परिवारों को टेकनहिया मानकोट में स्थान दिया गया है। कुल 72,70,000 रुपये की रकम से 12 बीघे ज़मीन खरीदी गई है, जो कि टेकनहिया मानकोट में है, और इन परिवारों को वहां बसाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन परिवारों को सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डीएम महेंद्र कुमार ने निर्देश दिए हैं। यहां विद्युत कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति, पानी की टंकी, शौचालय, गांव में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करने के लिए डीएम ने निर्देशित किया है। आज जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें इस खुशखबरी के बारे में जानकारी दी। उनके साथ सीडीओ संजीव मौर्य, सदर एसडीएम राजेंद्र बहादुर, एडीएम राम अविलास जी मौजूद रहे। हमने जब इस रिपोर्ट को किया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कभी सफल होंगे या इन ग्रामीणों को इस नारकीय जीवन से निजात मिल पाएगी। जब हम गए तो उन्होंने हमें मालिक मालिक कह के अपने सर पे बिठा लिया। हम उस दौर में नाव से बैठकर उनके गांव, जहां वो टापू बन चुका था, वहां तक किसी तरह पहुंचे। इसके एक साल पहले भी हमने रिपोर्ट करी थी, उस दौर में कल्याणपुर में एक स्कूल जो सरकारी स्कूल था वो बहने के कगार पे था, बाद में वो नदी में समा गया। पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन देकर उस स्कूल को बनवाया था। उस व्यक्ति को कितना दुख हुआ और उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा दुख हम और हमारी टीम को हुआ, जिसके बाद हमने इस आंदोलन को छेड़ा और लगातार अपने चैनल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, इन ग्रामीणों को दिखाते रहे, लोगों को इनके दर्द से अवगत कराया। तत्कालीन डीएम कृष्णा कर्णेश ने इनके दर्द को समझते हुए उनके विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू किया और तेज तर्रार एडीएम माने जाने वाले अरुण शुक्ला जी को इस जिम्मेदारी को दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और यहां से उनका तबादला हो गया। जिलाधिकारी छुट्टी के वक्त ये फाइल चलती रही और धीरे धीरे काम पड़ता रहा। अब वो दिन आ गया है जब ज़िले में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार तैनात हैं और उनके समय पर विस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 66 परिवारों को विस्थापित कर बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इन परिवारों को हर तरीके की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नारकीय जीवन से निकलने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि हम बेहद खुश हैं और यह कदम हमें मीडिया के देन से मिली है कि हम आज विस्थापित होकर दूसरे गांव में, जहां बाढ़ की आशंका नहीं है, वहां रहने को पा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन, जिला प्रशासन और योगी सरकार का भी धन्यवाद किया है कि जिन्होंने हमको विस्थापित करने में पूरी मदद की। इस वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आज मैं बेहद खुश हूँ कि हमारी रिपोर्ट्स का असर हुआ और उन 66 परिवारों को नारकीय जीवन से निजात मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसा अगर आपके आसपास भी कहीं हो रहा है तो उसका वीडियो बनाइए, आवाज़ उठाइए, जिससे ऐसे ग्रामीणों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिले और वह भी सम्मान की ज़िंदगी जी सके। जय हिंद।